राम कॉलोनी का जो मंदिर है यहाँ बना हुआ है, इसकी दीवार काफी टूटी हुई है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि इसकी दीवार को दिखाएं, जर्जर अवस्था में है। यहाँ ये जो लोग पूजा करने आते हैं, पता नहीं क्या लेना है, क्या लेना है, बड़ा हादसा हो सकता है इस दीवार के गिरने से। जानते हैं मंदिर के पुजारी यहाँ के क्या हालात हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका मेरा नाम सुशील कांत है, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये दीवार टूटी हुई है, यहाँ सही क्यों नहीं करवाई? इनकी जो वो बड़ी खराब हुई पड़ी है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई नहीं आकर के देखता कि हमारी मस्जिद, हमारी मंदिर कैसा है, और जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है ये टूट फूट चल रही है, और ना ही यहाँ पर साफ सफाई सही से होती है, और ना ही यहाँ पर हमारा ये मंदिर जो है बहुत दिनों से ऐसी पड़ा हुआ है इधर, परंतु इसकी कोई इस तरह की जो है कोई यहाँ की जो है इसकी बनाने की कोई व्यवस्था नहीं करता है। देखिए, जैसे कि हमारी सरकार आजकल मंदिर मस्जिदों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, लेकिन ये काशीराम कॉलोनी का मंदिर टूटा हुआ है, यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जबकि ये एक विधायक जो है यहाँ के महेंद्र सिंह खड़कवंशी, उनके नज़दीकी एरिया में आता है, लेकिन कोई ध्यान उनका नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी कहीं ना कहीं एक मंदिर और मस्जिद को लेकर एक बड़ा एजेंडा पेश करती है कि वो मंदिर बनवाएंगे, लेकिन यहाँ जो इन लोगों के पूजा के लिए मंदिर बना हुआ है, यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ कोई भी आता नहीं है। और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इनसे, पुजारी जी। भैया, मैं तो यही कह सकता हूँ केवल कि यहाँ पर जो भी आए यहाँ पर चेयरमैन के लिए या किसी भी इलेक्शन के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान हमारे मंदिर की तरफ भी दें। हमारी बड़ी आपसे यही वो है कि आप यहाँ पर आकर के हमारे मंदिर को इसको इसकी व्यवस्था सही। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार जैसे मंदिरों पर काफ़ी ध्यान दे रही है, तो आपने इसकी कोई शिकायत की नहीं की, क्योंकि आपका ये मंदिर है, आप यहाँ पूजा करते हो, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले इलेक्शन में हमारे पास में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए थे, और आने के बाद में हम आश्वासन दे गए कि साहब तुम जो हम इस मंदिर को सही करा देंगे, मगर इन लोगों ने भी, जो लोग आश्वासन हमें दे के गए उन लोगों ने भी हमारे साथ में बस यही किया कि हमारी तरफ को पलट नहीं देखा अभी तक, और ना ही कोई हमारी तरफ को ये देखा कि साहब हम जो कहकर आए थे तो इस मंदिर को हम बनवा दें, नहीं बनवाया। देखिए, पुजारी जी का ये कहना है कि यहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है, तो ऐसा ये सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है लेके मंदिर और मस्जिद को, लेकिन इनके कहने पर भी यहाँ लोग आए, लेकिन इस पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। तो आगे मैं चाहूँगा कि वो यहाँ मंदिर की कैमरामैन से चाहूँगा कि वो अंदर मंदिर के अंदर दिखाएं। देखिए देखिए, यहाँ किस तरीके से है, ये लोग खुद ही इसका जो देखभाल करते हैं, यहाँ कोई जो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। जब बारिश यहाँ होती है तो यहाँ काफ़ी पानी भर जाता है, इन लोगों का कहना है कि काफ़ी पानी। देखते हैं, देखिए किस तरीके से ये सारा गीला हुआ है, यहाँ का जो स्थान है इनकी पूजा का, तो यहाँ बरसात के मौसम में इन लोगों को परेशानी आती है। तो देखिए यहाँ भी, जी जी आप कुछ जी बोलिए। यहाँ पे जब बारिश पड़ती है तो इतना पानी भर जाता है, यहाँ पे निकलने को जगह नहीं रहती, बच्चे भी गिरते हैं, समझे क्या ना। और यहाँ कितनी बार शिकायत कर दिया कि पानी की वो सड़क बनवाई जाए, जब भी नहीं बनवाई, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, सारी नालियों में कूड़ा अटका पड़ा है, तमाम गारों में भरी पड़ी है सारी। देखिए विधायक जी तो आपके नज़दीक में ही रहते हैं हसनपुर में, उनसे आपने शिकायत ना करते? विधायक जी को तो खाने के लिए चाहिए, विधायक जी सुनवाई ना करते। क्या क्या बोलते हैं विधायक जी आपकी कॉलोनी के साफ सफाई? तो वो तो कहता है कमाल के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, तो हम किसके पास जाएंगे, हमारी कौन करेगा? सत्ता में तो विधायक जी हैं, फिर कमाल के पास क्यों जाएं? हाँ, तो बात तो यही है, पहले कमाल जी ने कुछ करवा दिया था ना, हमारा बिल विल ना दिए थे ना हमारा। अच्छा, तो विधायक जी कहते हैं कि कमाल के पास जाओ। देखिए इन लोगों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं, और मैं ये कहते हुए बहुत हमारे कि आप कमाल के पास जाइए, कि कितनी शर्मिंदा ये हरकत करते हैं इस तरीके से। जी पुजारी जी से मैं, जी भैया जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर जनता रहती है, जहाँ पर आवाम रहती है, वहाँ पर 11,000 की लाइन लगी हुई है, तो वो ये सब ये सही है या गलत है, यहाँ आए दिन फाल्ट हो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हमारे सबके रहते हैं, और तो उसमें ये है कि किसी ने भी ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया, ये 11,000 की लाइन या तो हटा दी जाए, और या फिर हमारे मंदिर की जो है ऊपर जो है जो 11,000 की लाइन आ रही है, इसमें साफ तार बार के गिरवा दिए हैं। भैया 11,000 की लाइन जहाँ पर जनता रहती है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए इनका कहना है कि इनके मंदिर के ऊपर 11,000 की लाइन उतरी हुई है, और ये चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ से हटा दी जाए या यहाँ ए भी डाल दी जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो उस लाइन को मंदिर के ऊपर दिखाएं। देखिए यहाँ किस तरीके से मंदिर के ऊपर है कि ये लाइन अब यहाँ पेड़ में अड़ने, और एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है इन लोगों के साथ, तो ये कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं, और
सरकार से काफी नाखुश है, खासकर यहाँ के लोगों से, यहाँ के विधायकों से और चेयरमैन से यहाँ के काफी नाखुश है लोग। देखिए और जानते हैं हम इसके बारे में। जी भैया आपका क्या नाम? सर मेरा नाम नसरुद्दीन शाह है। नसरुद्दीन शाह आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आंगनबाड़ी के बारे में बोलना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी में जो है दिल्ली के अंदर हर महीने राशन बढ़ रहा है और 5-5 किलो राशन मिल रहा है, सभी जगह बढ़ रहा है। जब राशन दिल्ली के अंदर हर महीने बढ़ रहा है और वो भी 5-5 किलो हर बच्चे को मिल रहा है, रेफेंड की थैली, देसी घी के डिब्बे मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी में ये हिसाब बना रखा, 3 महीने में एक बार राशन देते हैं, उसके बाद में बदतमीजी करते हैं, तुम बार बार आ जा रहे हो, ये हुआ नखलाओं को जाकर फोन कर लो और उनके पास जाओ तो गुंडागर्दी है। बोले तुम यहाँ पे मेरे घर पे चढ़ के क्यों आए, तुमसे तो MLA मिलने आवेगा, प्रधान मिलने आवेगा, ऐसे करके उल्टी बात करते हैं। सर हम देखिए यहाँ की आंगनबाड़ी इन लोगों से कितने गलत तरीके से व्यवहार करती है। ये लोग अपना हक मांगते हैं आंगनबाड़ी से जो कि सरकार उन्हें दे रही है, लेकिन ये लोग उस दबाए हुए हैं। जानना चाहूंगा कि ये उस आंगनबाड़ी राय है आपकी इस बारे में? बस सर ये राय है हमारी, हम चाहते हैं सबको एक दूसरे से देखा जाए और राशन जो है हर महीने मिल रहा है, दूसरे महीने में मिल जाए, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, पर 3-3, 4-4 महीने का एडजस्ट नहीं कर सकते। देखिए इनका कहना है कि राशन इन्हें हर महीने मिलना चाहिए, जैसे 3-3, 4-4 महीने में लोगों को राशन मिलता है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग अगर दूसरे महीने मिलेगा तो इसके एडजस्ट कर लेंगे।